गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में भले ही गुजरात टाइटन हार गई है ये गेम को, होम ग्राउंड में ये मैच था सीएसके का, लेकिन यहाँ पे चार पांच चीजें आई उभर के। पहली बात तो टॉस के टाइम में आपके शुभमन गिल भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो जितने भी कैप्टनशिप के गुण है वो सीख रहे हैं रोहित शर्मा से, शायद इसीलिए वो भी भूल गए कि करना क्या है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज आती है, जब बैटिंग करने आई सीएसके की टीम तो शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी की है, रिजवी ने लगातार दो छक्के मार के राशिद खान को बता दिया कि आपसे बड़े बल्लेबाज मैं हूं। इवन महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनको खूब सहारा, लेकिन जब फील्डिंग करने की जब आई बारी तो महेंद्र सिंह धोनी का वो कैच हमेशा ही याद रहेगा, 2.27 के मीटर में छलांग लगा के उन्होंने कैच लिया। बहुत सारे धोनी के फैन पागल हो चुके हैं, उस वीडियो को लगा लगा के हर जगह बता रहे हैं कि धोनी ने 42 की उम्र में इतना ज़बरदस्त कैच लिया। हालांकि 42 की उम्र में लोग बैट पकड़ लेते हैं, लेकिन 42 की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ऐसे कैचेस ले रहे हैं। इवन अजिंक्य रहाणे ने 35 साल के होते हुए भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैच ली कल, तो ये भी एक कल मुद्दा बन सकता था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आगे उनका कैच फीका सा पड़ गया। दूसरी बात करते हैं कि शुभमन गिल के ही बारे में, शुभमन गिल हालांकि आउट हुए लेकिन उससे ज्यादा आउट उनको पड़ी है पेनल्टी, सबसे 12 लाख के उनको पेनल्टी पड़ी है स्लो ओवर रेट से, तो ये सबसे बड़ी चीज होगी। और वो यंगेस्ट कैप्टन बन चुके हैं जो इतनी बड़ी पेनल्टी दिए हैं, पता नहीं 12 लाख रुपया वो कहाँ से लेके आएंगे, वो जीटी डिसाइड करेगी। महेंद्र सिंह धोनी ने बोला आशीष नेहरा को अपने वो पेपर में स्ट्रेटेजी को बत्ती बना के डाल लें, बिकॉज सीएसके के सामने आपकी वो स्ट्रेटेजी काम करने वाली नहीं है। इवन वो बोल सकते थे कि आप नारियल को डाल लें, लेकिन नारियल बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि उस पेपर को बत्ती बना के डाल दें। और बहुत सारे मीडिया जो हैं, पाकिस्तानी मीडिया कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम को अगर आईपीएल में खरीदना होता वो कितने में बिकते, और अगर आईपीएल फीकी पड़ चुकी है क्योंकि उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है, तो इस पर मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, फैन रिएक्शन के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आईपीएल में अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स होते वो कितने में बिकते। अभी 100 के लीग के लिए बहुत सारे प्लेयर्स उनके बिके नहीं हैं, बॉब्जी द किंग नहीं बिके हैं, रिजवान नहीं बिके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको आईपीएल में खरीदा जाए, लेकिन आईपीएल में मुझे नहीं लगता किसी को खरीदा जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो होने वाली हो, तो बने रहें इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जब वो वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स डायनामिक।